विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष समापन समारोह में पधारे विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, विश्व को प्रथम बार लोकतांत्रिक व्यवस्था से परिचय कराने वाली महान भूमि बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, बिहार के महामहिम राज्यपाल महोदय जी, विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री विजय कुमार सिन्हा जी, विधान परिषद के सभापति महोदय, उप मुख्यमंत्री जी और मंच पे विराजमान मंत्रीगण एवं सभा में उपस्थित सभी वर्तमान और पूर्व माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। बिहार लोकतंत्र की जननी है, अतः यहाँ से एक संदेश पूरे देश में जाना चाहिए। हम अलग अलग दलों से इस विधानमंडल में हैं, लेकिन हमारी वैचारिक प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक शत्रुता में नहीं बदलनी चाहिए। समाज के हर वर्ग की आबादी के अनुसार भागीदारी और हिस्सेदारी से ही लोकतंत्र समृद्ध और समावेशी होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसा मैंने पहले कहा कि हमारे राज्य के वैशाली से ही लोकतंत्र बाकी जगहों पर प्रसारित हुआ, अतः मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी लेजिस्लेटिव स्टडीज जैसी एक संस्था बिहार में स्थापित हो, जिसके माध्यम से विधायी और लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं पर शोध एवं अध्ययन की अवसर और प्रशिक्षण दिया जा सके। विभिन्न पहलुओं पर शोध और अध्ययन के अवसर और प्रशिक्षण दिया जा सके, पूरे देश के जनप्रतिनिधियों, युवाओं और संबंधित कर्मचारियों को इससे लाभ मिलेगा। आशा है आप हमारी मांग को पूर्ण करेंगे, हमें विश्वास है और गंभीरतापूर्वक सोचेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने डिजर्विंग और विशेषज्ञ व्यक्तियों को पद्मश्री, पद्म भूषण इत्यादि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार देने की एक स्वस्थ एवं सकारात्मक परंपरा स्थापित की है। इसी प्रांगण में हम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के आम कदम प्रतिमा के बगल में बैठे हैं। हमारी मांग है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर इस शताब्दी वर्ष समारोह एवं देश के प्रधानमंत्री जी के बिहार विधानसभा प्रांगण में प्रथम आगमन को और अधिक यादगार बनाने की कृपा करें। यह उपस्थित हर एक माननीय सदस्यों की यही हार्दिक इच्छा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को एक अवश्य ही भारत रत्न मिलना चाहिए। लोकतंत्र में समक्ष कई चुनौतियां हैं, लेकिन हम सामूहिक प्रयास और संकल्प से जनतंत्र को धनतंत्र और छलतंत्र से बचा सकते हैं। हमारे पुरखे ने लोकतंत्र की हमारे लोकतंत्र की समृद्ध विरासत सौंपी आवश्यकता है कि हम इसे मिलकर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के जड़ों को और मजबूत बना और विधानसभा की शताब्दी वर्ष के यही चुनौतियां हैं और अवसर भी है। पुनः आप सभी को तहे दिल से मैं धन्यवाद और प्रणाम करता हूं। जय बिहार, जय हिंद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।